वेलकम बैक। बात हो रही थी महंगाई के वाले से, और महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। सूबाई हुकूमतें इसमें नाकाम दिखाई दे रही हैं, इंतजामिया अपना किरदार अदा करती हुई नज़र नहीं आ रही। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसपे वज़ीर आज़म ने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे इंतजामिया को चीज़ें मैनेज करनी है। तो वज़ीर आज़म साहब, वो इंतजामिया आप ही के अंडर आती है और आप उनसे मैनेज करवाएं। कब मैनेज करेंगे? जब आवाम सड़कों पर निकलना शुरू कर देंगे और कानून को अपने हाथ में लेंगे, तब आपको होश आएगा। कोरोना की वजह से वैसे ही आवाम परेशान हैं, ऊपर से रमज़ान आ रहे हैं और हमें हुकूमती रिट किसी भी जगह नज़र नहीं आ रही। और एक तरफ इंतज़ामिया है, वो आम जो दुकानदार हैं उनके साथ मिलकर इस तरह के जो काम है, रिश्वत है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, जितनी भी बदअनवानी हो रही है, तो उसमें इंतज़ामिया और हुकूमतें भी इन्वॉल्व हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने दावा किया था कि हम चूँकि इंसाफ दिलाएंगे और एहतसाब करेंगे, ये एहतसाब और इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गजारी साहब, आपको क्या लगता है, ख़ासतौर पर जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, रमज़ान है, आम आवाम की दस्तरस से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं, दूसरी तरफ आवाम का जो अगर हम देखें तो आवाम हमें शॉपिंग्स करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, वो हमें खाने रेस्टोरेंट्स पे जगह नहीं मिल रही, तो ये दोनों चीज़ें सामने आ रही हैं, तो कौन सा तबका है जो मिसफिट हो रहा है इसमें? देखिए जनाब ज़रीफ़ साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि आवाम एक तरफ अपनी शॉपिंगों में भी मसरूफ़ है और एक तरफ महंगाई का भी रोना रो रही है। तो मेजॉरिटी जो आवाम है वो सप्रेस है, वो कम हैं जो खुशहाल हैं, जो मॉल्स में आपको नज़र आ रहे हैं। सही, मेजॉरिटी के अगर अगर हम दुख का मदावा करें तो वो बहुत ही डिप्रेस हैं, और ठीक, दूध की महंगाई और पता नहीं हर चीज़ गोश्त में महंगाई, तो उसमें बहरहाल ये है कि अभी कौम सो रही है, और अल्लामा इकबाल ने तभी कहा है अस्खाब गिरां खेस, आप उठिए, वेकअप वेकअप वेकअप। ठीक है, तो जब तक उठेगी नहीं कौम, तो मैं सही, नहीं समझता कि महंगाई के भी हवाले से कोई पॉलिसी या कोई सिस्टम हम बना सकें। ठीक है। महंगाई के वाले से पॉलिसी बनना मुश्किल है जब तक आवाम खुद फैसले खुद नहीं उठेगी। हाँ, वेकअप और कॉल है। दूसरे इसमें वैसे साहब किस तरह देखते हैं, खासतौर पे वज़ीर आज़म साहब बड़े पुरउम्मीद हैं, और दूसरी तरफ अब चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के हवाले से भी बड़ा बोल्ड डिसीजन लेने जा रही है, और गिलानी साहब ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत की तरफ से भी बात करेंगे, इश्यूज़ होंगे, तो ये समझ नहीं आ रहा, फिर तासर आता है कि कोई शायद बड़ी डील हुई है बड़े लेवल पे। आप इंटरनल मामला को भी जानते हैं, इनसाइट्स होती हैं आपके पास, तो आपको लगता है कि वाकई में कोई ढील हुई है? ये जो थ्री आज की सिक्सटी नहीं, डिग्री थ्री नहीं सिर्फ सिक्सटी आज आज की नहीं, नहीं हुई भी, आज की नहीं, वो बड़ा देखे ना, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और आ उसका, रहा है ना और उसका। बिल्कुल है, वो तो 100% कोई भी नेकेड आई से देखे तो उसको नजर आ जाएगा सही, कि पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर बड़ा कम हुआ है। ठीक, प्रिंशियल गवर्नमेंट को जिस तरह पहले तंग कर रहे थे, एक देखे ना, एक वक्त था आज से 2-2.5 साल पहले जिस वक्त इस मुल्क इस सूबे में गवर्नर राज की भी बातें हो रही थी बिल्कुल और 149 की भी बातें हो रही थी, सही, और ये भी बातें हो रही थी कि जो 18th अमेंडमेंट है उसको भी रोल बैक किया जा ठीक सकता है, है। तो उसके बाद अब आप देखें कि जमहूरियत के लिए, सही, जिस तरह से कहा जाता है, तो जमहूरियत वसीतर के मफाद लिए के लिए, और वसीतर मुफाद के लिए उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ओपन हैंड दिया है, ठीक, और अब तो बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती है तो कभी कभार तारीफ भी हो जाती है। अभी एनसीओसी के अंदर असद उमर साहब ने तारीफ भी कर दी थी, सही, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस चल रहा है। और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी पे हाथ इजी रहा है, और उसकी एक वजह भी है कि इन्होंने पीपल्स कुर्बानियां भी पार्टी दी हैं ना, थी सर, बिल्कुल कुर्बानियां दी हैं, उनकी पॉलिटिक्स बड़ी मेच्योर है बाकियों की सही, निस्बत। देखें आप अगर बिलावल की पॉलिटिक्स देखें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कॉल्स बिलावल, ही डज नॉट कॉल एनीबडी एल्स, सही, बिलावल साहब को कॉल आती है। और उसी की निस्बत अगर आप देखें कि जिस टोले ने नून लीग के ऊपर आके, वो मेच्योर पॉलिटिक्स नहीं, वो तो बच्चों वाली, वो एक टीन एज का हमारा माइंड ठीक सेट है, नहीं, फेमस जफीर भाई होता पॉलिटिक्स हो था रही है, कि सही हम उसको जाके कूट देंगे, मार देंगे, निकल सही आएंगे, फड्डा कर लेंगे, लड़के बुलाओ, तो ठीक इस तरह है, पॉलिटिक्स नहीं होती। तो जाहिर है जो अच्छी मेच्योर पॉलिटिक्स सोच समझ के ग्राउंड रियलिटीज के साथ करेंगे ठीक वो है, उसका फ्रूट भी पाएंगे। और पीपल्स पार्टी की, मैं सॉरी आपका टाइम ले, बट पीपल्स पार्टी की आप देख लें कि तो जितनी भी डिसीजन है वो विंडिकेट हुई हैं। सही, उन्होंने कहा बाई इलेक्शन में हुकूमत के लिए रूम ना छोड़ें, उसके बाद नून लीग आई, हम बाई इलेक्शन जीत गए, अब डस्का में दोबारा ठीक है, रिटोरिक मचा रहे हैं ना। सही, उन्होंने कहा सेनेट का मैदान ऊपर ओपन ना छोड़ें, यूसुफ रजा गिलानी जीत के आया ना, तो सही, वो तो मेरा ख्याल है बड़ी मेच्योर किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और बड़ी देर से उनके ऊपर हाथ इजी है, ठीक और है, वो पीडीएम में रहने का उनको ये फायदा भी है, इसलिए वो पीडीएम नहीं छोड़ेंगे, मेरी ये प्रेडिक्शन है। नहीं लेकिन ना भी छोड़े, लेकिन पीडीएम की जो पावर है वो पीपीपी के पास ही है ना, चूंकि स्टेक तो इनका, उनके तो पास तो सर कुछ है ही नहीं, अल्टीमेटली अगर आप देखें तो वो पीपल्स पार्टी कभी ठीक, इसकी हामी नहीं थी कि निकल के लड़ निकल पड़े। गए। रामिया साहब, आप किस तरह देखती हैं, शायद हकान और एहसन इकबाल पीडीएम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, शाजिया मरी ये बात कह रही हैं,
नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले एक हफ्ते से एक दूसरे पे बड़े सख्त इल्ज़ाम, मरियम ने जो स्टेटमेंट दिए थे वो भी आपने सुने बिलावल के बारे से, बिलावल ने फिर उनको तनकीद का निशाना बनाया। आपको लगता है कि ये दोनों सियासी जमातें इनका रोमांस तो चलता रहता है, कभी इन आउट होते हैं, कभी आउट होते हैं, कभी मान जाते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अब राहें वाकई में जुदा हो जाएंगी क्या, वापस बाउंस करेंगे? देखिए ये सियासत है, इसमें कोई भी चीज़ हुरफे आखिर नहीं है। कल के जो एक दूसरे के दुश्मन थे, दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते थे और वो फिर बाहम जो एक दूसरे के साथ बैठे हैं दोस्त बनकर, और फिर वो थोड़ा सा फिर चेंज हुआ। जहाँ पर मफादात में टकराव आने लग जाता है वहाँ पर बयानियाँ भी तब्दील होने लग जाते हैं और फिर एक दूसरे से दूरियाँ भी बढ़ने लग जाती हैं। लेकिन पीपी जो है वो तो अपनी जगह पर कायम है और इनकी तरफ से जो बयानिए चेंज हो रहे हैं कह नहीं सकते कि दूर भी हों, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तो ये लोग शायद कि ये मिलकर ही चलेंगे, इसमें फ़ायदा ही फायदा। हाँ, फ़ायदा तो खैर है इनका चूँकि इसी में इनकी बका है, और लेकिन ये तो हुकूमत गिराने निकले थे, ये तो वज़ीर आज़म को घर भेजने निकले थे, ये तो खुद आपस में लड़ पड़े, अवाम के पास क्या इनका इमेज क्या? ऐसा है कि जब बहुत ज़्यादा जो गरजते हैं वो बादल कभी बरसते नहीं। सही, तो ये इनके साथ भी यही हुआ, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। और गजाली साहब, अगर हम 249 की बात करें और कराची की बात करें तो उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आपके साथ, आप दस्तबरदार हो जाएंगे किसी के साथ या इंडिविजुअली, और फिर आपकी अपनी वोटिंग, अपनी फुटिंग क्या है, कितना कितनी वर्थ है वहाँ? देखिए मैं अपने आप को तो तिफले मकतब लेता हूँ। सही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोशिश ना करें और किसी को ऐसे ही पाकिस्तान की आवाम को या इलाके की आवाम को किसी के हाल पे छोड़ दें, ये अखलाकी यानी मुझे गवारा नहीं करता कि मैं छोड़ दूँ इस आवाम को, क्योंकि वहाँ पर पंजाबी पख्तून सब बेचारे हज़ारवाल सारे ऐसी आवाम हैं और उनकी अगर आप जाके हाल देखें, ज़बूर हाल ही देखें, तो आपको आप रो रो के है ना, आप मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, ठीक है। लेकिन बहरहाल मेरा जहाँ तक किसी से डील करने का है ना, वो तो सवाल ही नहीं है। चले ठीक है, डील नहीं, डील ना बैठना तो नहीं है, ठीक। डॉक्टर सराफ सर के साहब ने ज्वाइन किया है, एमपी हैं, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं पीडीएम के हवाले से बात हो रही है और पीडीएम इत्तेहाद, चूँकि एनपी अलग हो चुकी है, आपने शोकास का जवाब देना है अभी, और तासुर यह है कि शायद अब दोबारा आपका पीडीएम का वो स्टेमिना उस तरह नहीं बनेगा, मोमेंटम आप गेन नहीं कर पाएंगे जो इससे पहले था या सेनेट इंतखाबात में इवन हमने देखा। बड़ी मेहरबानी रेफरेंस भाई, बात ये है कि जिस तरह, हेलो जी जी सुन रहा हूँ, जिस तरह पीडीएम को चलाने की कोशिश की जा रही है और फैसलों के ऊपर जबरदस्ती एक पार्टी असरअंदाज होना चाहती है, तो ये तो पहले ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कहें हम जमहूरियत चाहते हैं, तो ये जमहूरियत तो नहीं होती, उसमें तो जाहिर है जितने भी हैं पार्टियां वो कंसेंसस के साथ चलती हैं। अब आप दूसरी पार्टियों के खिलाफ इस तरह बोलेंगे और आकर मीडिया पे, जो कि मीडिया पे बात नहीं करनी चाहिए, वो एक फोरम है उसी पे बात की जा सकती है, लेकिन इंडिविजुअली हर कोई आकर बात करेगा तो मेरे ख्याल में उसको पीडीएम का बड़ा नुकसान होगा, और मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम का नुकसान पूरे मुल्क का नुकसान है, और मैं मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अल्टीमेटली पीडीएम जो है वो सही हो जाएगी और सब मुत्तफिक एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, और उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा कर रही है पार्टी इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून है, वो ये कहती है कि हम जो है डिक्टेटरशिप की तरह अपने फैसले सौंपे। इसमें शायद हकान अब्बासी साहब जो कि राजसभा वो हैं पीडीएम के, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरोसा तोड़ा है, हमारा एतमाद था उनके ऊपर, तो एतमाद ब्रेक हुआ है यहाँ पे। देखिए बात यह है कि एतमाद तोड़ा है, कुछ भी किया है अगर वो ये समझते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, पीडीएम मौजूद है, उस पर मीटिंग बुला के बात की जा सकती है, बजाय कि हम मीडिया पे बात करें। मीडिया पे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, हम बहुत मोहतात हैं, बिलावल साहब ने जहाँ जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं भी उनके साथ बैठा हुआ था जैकाबाद में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ही अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हम चाहते पीडीएम मजबूत रहे, लेकिन यह है कि आप जतिन भाई कभी कभार इस तरह के बयानात आ जाते हैं
दूसरी तरफ से जिनका कोई ना कोई जवाब देना बहुत जरूरी होता है, और खुदा ना खास्ता हम जवाब नहीं दें तो फिर जो वो कह रहे होते हैं वो सच समझा जाता है। तो अब ये देखें, एएनपी ने खुद मुझे जो मालूम हुआ है उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया है। बिल्कुल। अब आप ये तो नहीं है कि एक पार्टी है पीडीएम है, पीडीएम में जाहिर मुख्तलिफ जमायतों का ऐसा ही है सरकी साहब, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे ज्यादा स्टेक आपका है, आपके पास सिंध हुकूमत है, आपके पास सेनेट है, तो इसलिए सबकी जो आपका जो डिसीजन होता है वो सब पे भारी भी होता है। और हमने देखा कि जरदारी साहब ने जो जो मशवरे दिए उस पे पीडीएम की बाकी जो जमातें हैं उनको अमल करना पड़ा, और अगर ना करते तो उनको नुकसान होता। इवन इन्होंने फैसला कि इन्होंने कहा था कि हम इस्तीफे देंगे, आपने मना किया तो वो नहीं। जफरीन भाई बात यह है कि हमें बिल्कुल हमारा स्टेक है, आप सही फरमा रहे हैं, हमारे सिंध में हुकूमत है और सेनेट में भी हमारी अक्सरियत है, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन नेशनल असेंबली में ज्यादा सीटें नून लीग की हैं। जी ठीक है। अब बात यह है कि हम तो ये जो जो हमारे में अभी मीडिया पे ओपोजिशन लीडर भी तो उनका है ना सर, वहाँ पे ओपोजिशन लीडर उनका है, अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन उनका है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब बात यह है कि वो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल पूरा एक फार्मूला तय हो गया था, और बिल्कुल ये इमरान खान और ये पंजाब से लेकर मरकज तक सारी बोरिया बिस्तर गोल होने वाले थे, लेकिन ये है कि फिर नून लीग उस पर नहीं रही, उन्होंने बात की और उस पर एग्री भी हुए, फिर वो पता नहीं। आप देखें डॉक्टर साहब आप देखें, अब हुकूमत ये कह रही है कि ये हमें घर भेजने आए थे, इन्होंने कहा था कि सेनेट में नहीं जाएंगे, सेनेट में गए, जिमनी इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, जिमनी इंतखाबात लड़े, इन्हीं असेंबली को बुरा भला कहते हैं, तो सारी चीजें आप पे आ गई हैं। अब नहीं, मैं बताऊं आपको, जो जो हमने स्टेप लिए, जरदारी साहब बहुत सीनियर हैं पॉलिटिक्स के अंदर, जितने भी इस वक्त हैं सियासत के अंदर लोग हैं, मेरे ख्याल में सबसे सीनियर जी जी जो है वो आसिफ अली साहब, उनके अगर मशवरे पे चलते तो बिल्कुल अभी तक ये घर जा चुके होते। ठीक। अब उनका मशवरा उन्होंने नहीं माना, पहले हाँ की, बाद में सोचा। कल तो मैं एहसान इकबाल जैसे सीनियर पॉलिटिशियन का भी ये सुन रहा था कि हम कैसे इस्तीफा देंगे, नहीं देंगे इस्तीफा, हम इस्तीफा देंगे तो पीपल्स पार्टी और काफ लीग हमारी वो जो है जगह ले लेंगी। अब हमने तो कभी इस तरह ठीक है ट्रस्ट उनके। डॉक्टर साहब आप लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राबिया माजिद साहबा, एमपी हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की, बैरिस्टर रिटायर्ड साहब हैं, और एडवोकेट इशरत गजाली साहब हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। बैरिस्टर साहब आपने गुफ्तगू सुनी, इसमें कोई शक नहीं कि डैमेज हो चुका है पीडीएम का, और अगर दोबारा से ये एक साथ बैठ भी जाते हैं तो दिल में जो चीज़ें आई हैं, जो नफरत आई है, तो वो इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता कि आप हुकूमत के लिए प्रेशर बिल्ड कर सके, या जो मोमेंटम था। दे सकता हूँ मैं एग्जांपल्स, दे सकता हूँ, पीटीआई एमक्यूएम के ऊपर इल्जाम लगाती थी नहीं कि हमारी लेडी लीडर मारी, टाइम लगा सिर्फ पॉलिटिक्स में कोई नहीं, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी आपस में लड़ते थे, रात को कहते थे हुकूमत से अलग, अब कुछ नहीं हो सकता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कायम खानी साहब और सारे गालियां देते थे, अगले दिन वो कहते थे हुकूमत का हिस्सा रहेंगे जमहूरियत की खातिर, तो जमहूरियत की खातिर इस मुल्क में बड़ा कुछ होता है। पीडीएम इस वक्त वो गेन नहीं कर पाते आप चीज सर, पीडीएम इस पीपल्स पार्टी की भी जरूरत है, नून लीग की भी जरूरत है, ये दोनों वो बड़ी जमातें हैं जो मैटर करती हैं, जब तक इनकी ये जरूरत है पीडीएम चलेगी, नून लीग में जो एक शीन ग्रुप है या जो मियां नवाज शरीफ वाला ग्रुप है वो चीजों को मुताद तरीके से लेके चलेगा, और पीपल्स पार्टी तो मुताद तरीके से आपने देखा चली रही है। ठीक है राबे साहब, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि वाकई पीडीएम में कोई जान रही है या वाकई आहिस्ता आहिस्ता बस खत्म ही हो रही है? देखिए नौ सितारे भी टूट गए थे, अब मैं तो इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती, अब आप देख लीजिएगा, खुद ही पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये भी आपको क्या लगता है पीडीएम के बारे में, क्या पीडीएम तो बस एक दिल बहलाने का एक बहाना है गालिब, बाकी तो कुछ नहीं है, गुफ्तम नशिस्तम बरखास्तम। ठीक हो गया डॉक्टर सराफ सर के साथ, चूंकि प्रोग्राम खत्म हो रहा है, आखिरी पॉइंट है, आपको लगता है चूंकि अब आपका जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जो आप जवाब दे रहे हैं वो जवाब क्या है, कोई अगर नुक्ते अगर हमसे शेयर कर सकें आप, और दूसरा ये कि आपको लगता है कि पीडीएम वाकई अपना मोमेंटम गेन कर लेगी दोबारा? नहीं, बात यह है कि सबका मकसद यही है कि ये हुकूमत जो है वो नाइल हुकूमत है, उसको नहीं रहना चाहिए और ये सही नहीं है। मेरे ख्याल में जितने भी है वो सीजन पॉलिटिशियन हैं सब पार्टी, मैं ये समझता हूँ कि आखिरी वक्त तक ये कोशिश की जाएगी कि पीडीएम को रिवाइव किया जाए, माहौल बना हुआ है, ग्राउंड तैयार है, अब ये है कि अगर वो आसिफ अली जरदारी के मशवरे पे चलेंगे तो बिल्कुल सब चीज हो जाएगी और फायदा होगा उनका, नहीं तो अदरवाइज मेरे ख्याल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सराफ सरकी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, राबिया माजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, एडवोकेट इशरत गजाली साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब बैरिस्टर अली तायर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा, मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।